जिस दौर में हज़रत अमीर खुसरो ने शुरू किया था उस वक़्त वो शक्ल और थी, वो तब्दील होते 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 अब और ही हो गई है, बेहतर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम, उर्दू ग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फहीम यासीन। आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर के बांसूवाला बाज़ार में, जहां पर एक बहुत ही कदीम दुकान है जहां पर मौसीकी के आलात बनाए जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अब हम मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब के साथ, शेर मोहम्मद खान साहब के बेटे, जो अपने वालिद साहब के पेशे से मुंसलिक हैं और उनको काम को आगे लेके चल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आप इस पेशे से कब से मुंसलिक हैं और इस काम को कब से लेके चल रहे हैं? ये हमारा सिलसिला भाई 200 बरस से चल रहा है। मेरे वालिद भी यही करते थे, मेरे दादा भी यही करते थे, उनके वालिद भी यही करते थे। तो सर, मुझे भी बताइएगा कि आप मौसीकी के आलात बना रहे हैं जिसमें सितार सरे फरिस्त है, उसके बाद आप वायलिन भी बना रहे हैं, आप सुरंगी भी बना रहे हैं, ठीक, तो आज के इस दौरे हाजिर में किस आलात की या किस आले की जो है वो मांग ज़्यादा है, या लोग किस आले को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? आजकल सितार ज़्यादा चलता है, एक दो कॉलेज हैं यहाँ पे, वो बच्चियाँ शौक करती हैं, कुछ लड़के भी करते हैं, और सुरंगी भी चल रही है, लेकिन वो ज़रा साज वो लोग कम ज़रा बजाते हैं, पहले तो बिल्कुल ही ज़रा ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा इसका थोड़ा सा रुझान हुआ। सर, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊँगा और आपसे इस बात से कुछ मीन्स के इस्तफ़ादा होगा आपका भी, कि इस दौर में जो है वो ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है वो फास्ट म्यूज़िक या पॉप म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रागिब है बजाय के ये क्लासिक म्यूज़िक के, ठीक, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल वो म्यूज़िक ज़रा एक दो आसान है, एक दूसरे में शोर शराबा है, खप और डांस ये वो फलाना, वो एक शुगल की शक्ल बन जाती है। ये जो म्यूज़िक है ये एक रूह की गिज़ा है, और फिर ये आता मुश्किल से है, इस पर मेहनत काफ़ी है। ये मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो असल मौसीकी है, जो रूह की है वो यही है। बिल्कुल, जो रूह की गिज़ा है ये हुआ भाई कि वहाँ के बाहर की मौसीकी इन्होंने अपना ली है, वो गिटार लेके दे डांस कर रहे हैं, और यहाँ की उन्होंने अपना ली है, बाहर अंग्रेज सितार सरंगी स्रोत वो बजा रहे हैं। मैं आपकी इसी बात को अगर बढ़ाऊँ तो हमारी तहजीब, हमारी सकाफत जो है वो इन आलात से है, ठीक, उन आलात से नहीं जो आज मगरिब के हमने अपना लिए हैं। वो बस वो इसीलिए अपना लिए हैं कि बस वो एक शुगल की शक्ल बन जाती है। अब गाना तो आराम से सुकून से बैठ के गाया जाता है, पहले लोग गाते थे कोई उसमें कोई सुर होता था, कोई मज़ा आता था, अब रौला है, हाँ, बस अपने डांस हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं तो हम इसको मौसीकी नहीं कहेंगे, मौसीकी कहेंगे, लेकिन वो बात नहीं है जो हमारे यहाँ की मौसीकी है, वो सुकून वो बात नहीं है। हो गया सर, मैं देख रहा था आपकी दुकान में कि माशाल्लाह आपके वालिद साहब को भी सदारती एजाज से नवाजा गया, आपको भी सदारती एजाज से नवाजा गया, तो क्या इस एजाज को नवाजने के बाद कोई दादोसी की गई है आपकी अभी तक? नहीं, बस यही गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने ये मेहरबानी की है कि भाई ये हमें सदारती अवार्ड दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ नहीं है। चलें सर, आपसे मज़ीद जानेंगे कि ये बनता कैसे है, एक सितार जो मुग़ल दौर में आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में बजाया जाता रहा, ठीक, 16वीं सदी में इसको अमीर खुसरो ने मुतारिफ़ करवाया, ठीक है, उसके बाद बड़े सगीर पाकोहिन में ये बजता रहा, इसने बड़ी मकबूलियत हासिल की, ठीक, तो चलें हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी मेकिंग ये बनता कैसे है, ठीक भाई। ये आपके सामने बन रहा है, लकड़ी का ही बनता है, लेकिन यह है कि जिस दौर में हज़रत अमीर खुसरो ने शुरू किया था उस वक़्त वो शक्ल और थी, वो तब्दील होते 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 अब
और ही हो गई है, बेहतर हो गई है। मैं वो तो दरवेश आदमी थे, उन्होंने तो और मकसद के लिए किया था, वो लोगों को इसे इकट्ठा करके बाद में तबलीग करते थे। मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाऊं तो जो उन्होंने मुतारिफ करवाया था मीर खुसरो ने, वो सितार सिर्फ तीन तारों में मुश्तमिल था जिसे सहतार कहते थे, ठीक। तो इसके बाद ये सितार में से 18वीं सदी में जो वलायत खान साहब गुजरे, उन्होंने इसमें इन्वेंशन की, इनमें चेंजिंग की, तब्दीलियाँ की इनमें। अब वक्त के साथ साथ तब्दीली होती चली गई है। अब 18 तारें हो गई, कोई किसी में 17 होती है, किसी में 18 होती है, पहले 3 होती थी। जी तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इनके बेटे मोहम्मद काशिफ साहब से, जो के सितार हमारे सामने बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इसकी मेकिंग कैसे हो रही है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और इन चीज़ों को क्या कहा जाता है। जी सर, ये आप इस पर काम कर रहे हैं तो हमें ही हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जो आप जिस हाथ रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में, या इस आले में जो इस्तेमाल हो रही चीज़ इसको क्या नाम है इसको, और इसकी मेकिंग कैसे होती है। मेरे भाई इसको सितार कहते हैं, ठीक है। इसकी मेकिंग लकड़ी का ये बनता है, तो इसको सीखने में काफ़ी टाइम वगैरह लगता है। तो बना रहे हैं आपके सामने ही है, इसके ऊपर लकड़ी प्लास्टिक की डेकोरेशन कभी हड्डी की होती थी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा कि हड्डी का काम किया जाए। तो ये पॉलिश के साथ आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। अब महंगाई का इतना दौर आ गया है कि एक सितार 15 से 20 दिन में बनता है, उस 20,000 रुपया कीमत है उसकी। अब उसका मटेरियल कहाँ गया और मजदूरी कहाँ गई। अब अगर हम हड्डी का काम लगाना शुरू कर दें, को महीना डेढ़ महीना एक सितार पे लगा दें, तो उसकी उजरत कौन देगा। बिल्कुल ऐसे ठीक फरमा रहे हैं आप। तो और वैसे भी हमारे मुल्क में जो है वो ज़्यादातर जो है वो बाहर की चीज़ों को पसंद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश करके अच्छी चीज़ बना लूँ, लेकिन लोगों के जहन में बाहर ही है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर इस पे टैग लग जाए मेड इन जापान का, मेड इन इंडिया का टैग लग जाए, सितार जो है वो 20,000 का भी 1,00,000 रुपये में बिक जाएगा। और मेड इन पाकिस्तान का सोने वर्गी चीज़ भी बना दो, तो इन्होंने जो है ना उसका कौड़ियों का भाव लगाना है, या फिर सामने चीज़ रख के रख देंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं अच्छा तो बहुत है, लेकिन वैसा नहीं। यहाँ पे जो है ना लोगों का जेन में एक चीज़ बैठ गई भी है कि जो बाहर की चीज़ है ना वो यहाँ नहीं बन सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज़ बनती है, हर चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन वो कीमत के मुताबिक होती है। अब आप 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये की चीज़ के साथ कंपेरिजन करेंगे तो वो वैसी नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने भी बजाने वाले हैं ना, उन्होंने लोगों के जेन में ये डाल दिया है के इंडिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के जो बड़े बनाने वाले हैं, उन्होंने मेरे दादाजी का नाम लिख के लगाया हुआ है कि हम शेर मोहम्मद साहब के शागिर्द हैं। तो ये बस लोगों के जेन में इस तरह का बैठा हुआ है, इसलिए ज़रा यहाँ पे कुछ रुझान कम है मेकिंग के हिसाब से। हम अकेले ही बनाने वाले हैं और कोई बनाने वाला ही नहीं है। 20 साल लगते हैं इस काम को सीखने में, बनाने में जैसे बनाना भी पड़ता है, ऐसे इसका बजाना भी सीखना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई बंदा साज बनाए और आगे उसको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, तो उसने क्या करना है इस काम को सीख के। ये तो हमारा एक ख़ानदानी काम है, दादा पर दादा के टाइम से चला आ रहा है, इसलिए इस काम को कर रहे हैं, नहीं तो और कोई वजह नहीं। इसके अलावा भजन, सारंगी, सितार, सरोद, दिलरुबा, 75 बीना, और उसके अलावा सुरमंडल, ताऊस, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जितने भी तार वाले साज हैं वो हम हाथ से बनाते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो बाहर के हों। वायलिन और गिटार भी हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन आजकल चाइना का माल आ गया है, इस वजह से ज़रा हमने बनाने बंद कर दिए हैं। वो 5,000 का भी गिटार मिल जाता है, हमारे 20 दिन लग जाते हैं, हमारे को हमारा 25,000 से कम वारा नहीं आता, 20-25,000 से कम। क्वालिटी का फ़र्क है। मैं गिटार की गारंटी 2 साल की देता हूँ, चाइना वाले 10 मिनट की नहीं देते। वायलिन भी हाथ से बनता है, लेकिन चाइना का वायलिन 8,000 का मिल जाता है, हमारा महीना लग जाता है वायलिन बनाने में। चौक मियाँ हॉस्पिटल, रतन चंद रोड, बांसों वाला बाज़ार में ये दुकान है, उस्ताद शेर मोहम्मद के बेटे ज़ियाउद्दीन के नाम से है, लाहौर में। और हमारा फ़ोन नंबर जो है वो है 03235699308।
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि भी हमने मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब से बात की, उनके बेटे मोहम्मद काशान से बात की। ये दुकान बहुत ही कदीम है, 70 साल से ये दुकान यहाँ पर कायम है। पार्टीशन के बाद अमृतसर से ये दुकान यहाँ पर मुंतकिल हुई। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब को भी सदारत एजाज से नवाजा गया, इनके वालिद साहब मोहम्मद शेर मोहम्मद खान को भी एजाज से नवाजा गया, लेकिन इस एजाज के नवाजने के बाद इनकी किसी भी किस्म की दादरसी नहीं की गई। हमारे हुकाम बारा से दरख्वास्त है, अपील है कि बजट में से 2020-21 का पेश किया गया, उसमें से कुछ आर्टिस्ट कम्युनिटी को भी हिस्सा पेश किया जाए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फहीम यासीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।